हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन ऑफ यूनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल ट्विन ऑफ यूनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा ब्लॉग है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। धूप है, धूप तो बहुत है, लेकिन हाँ, हवा बहुत अच्छी हो रही है आज। और गर्मी तो लग ही रही है क्योंकि धूप है। तो और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे पानी देने के लिए, क्योंकि कल पानी बिल्कुल नहीं गिरा था। तो मॉर्निंग में एक बार पानी दे दो तो अच्छा रहता है। कभी हम कुछ चीज़ का वीडियो बनाते हैं, कभी किसी चीज़ का वीडियो बनाते हैं, रूटीन तो वही है हमारा। तो बस आज जो है, आज क्या, रोज़ ही हम पानी देते हैं। आज हम काफ़ी थोड़े दिन बाद आपको दिखा रहे हैं पानी देने का। वैसे नहीं तो कई बार ये क्या होता है ना, बी शिफ्ट में ये जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं तो ये जल्दी भी पानी दे देते हैं, पर मैं अपने हिसाब से देती हूँ। और हमारी जो है ना, टैंक का जो वाटर सप्लाई, जो मॉर्निंग में पानी आता है, वो उसमें थोड़ा सा लीकेज हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना पानी यहाँ वेस्ट हो रहा है। इसका कंप्लेन दिया है, आएंगे देखिए कब आते हैं। तो ये देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ से लीक हो रहा है पानी। ये देखिए आप, तो ये काफ़ी, ये देखिए नीचे पूरा पानी हो रहा है, ये वेस्ट ही हो रहा है, क्या करोगे। कंप्लेन तो दे दिया है पर वो अभी आए ही नहीं है। देखिए यहाँ भी पूरा भरा हुआ है, और इस तरह से मेरी बाल्टी भी भरती जा रही है जो मैं पानी देना है पेड़ों में। तो चलिए करते हैं, क्योंकि मौसम तो अच्छा ही है। नीचे अभी बस बर्तन वगैरह जमा के आ चुकी हूँ, मेट धो के गई थी तो बर्तन वगैरह सिस्टमेटिकली कर दिया। घर को थोड़ा सा मैसी सा रहता है मॉर्निंग टाइम में, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। तो यही सब काम चल रहा था बस, ये तो ऑफिस निकल ही गए 6 o'clock पे। उसके बाद मेरा काम चालू हो जाता है, पहले सबसे पहले वीडियो एडिट करना, उसको अपलोड करना, और देन उसके बाद मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो गर्मी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हवा चल रही है लेकिन फिर भी गर्म हो ही रहा है। धूप आप देख सकते हैं, सुबह सुबह भी कितना धूप हो रहा है, 7 बज रहा है पर धूप बहुत तेज़ हो रहा है। और तो चलिए पेड़ों में देते हैं पानी बाल्टी भरने तक। फ्रेंड्स, लंच जो है मेरा रेडी हो चुका है, पूजा भी हो चुकी है, मैंने अपनी पूजा कर ली है, मंदिर धोवाई और ये आ चुके हैं। ये अपनी पूजा स्टार्ट मैंने कर दी है, आज मेन पूजा ये भी कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी और लंच वगैरह तैयार करने लगी थी इसीलिए। और ये जो है आज बच्चों की स्वीट डिश बना रही हूँ, एक रसमलाई, ब्रेड की रसमलाई। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, दूध को ना इलायची डाल के, इस तरह से दूध को इलायची डाल के बहुत अच्छे से, काफ़ी टाइम से मैं इसको मतलब खौला रही हूँ। एक रबड़ी वाला टेस्ट जो होता है, जो थिकनेस होती है दूध की, वो काफ़ी थिक हो जाती है, मतलब दूध काफ़ी थिक आपको लग रहा होगा। फिर उसके बाद हम इसमें जो है थोड़ा सा दूध बचा लेते हैं, उसमें कस्टर्ड पाउडर, मैंने ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। ये आप इसमें, इसको पहले अलग से दूध में मिक्स करके मिलाइए, नहीं तो वो गुठली गुठली सा हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये देखिए। और फिर आप इसको पूरे इसमें मिक्स करिए, हम इसमें थोड़ा सा और ये लेके इसको अच्छे से वो करके कर लेते हैं, जिससे कि आजू बाजू जो भी लगा होगा ना तो सब नहीं होएगा। अब इसको थोड़ी देर हम और अच्छे से खौलाएँगे, इसमें इलायची डाला हुआ है। चलिए इसको अभी हम खोलने देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए अवनीनिका उठ चुकी है, टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 11:45 या 11:30 पे उठ गई हैं दोनों जन, और इनका ब्रश रखा हुआ है, ब्रश वगैरह करेंगी। अवनी करने लगी है, अनिका ये है, और मैंने आज सबके लिए स्पेशल डिश बनाई है, स्वीट डिश। वो तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज स्वीट डिश में बना हुआ रस मलाई, ये देखिए क्या बढ़िया बनाई हुई है। तो आप भी आइए और इसको एंजॉय करिए फ्रेंड्स। ये देखिए पापा को भी बहुत पसंद है, तो चलिए देते हैं पापा को भी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे, पापा ऑफिस के निकल चुके हैं, वो ऑफिस जाने लगे हैं, 12:30 हो गया है।
अब फिर गिरा देना ले जाते हुए, एक बार ये गिरा चुकी है खाना फ्रेंड्स, अब फिर करेंगी। तो ये देखिए पापा जा रहे हैं, ये पापा से बाय हो गई अनिका की, और यहाँ ये खा रही है। और इन लोगों को स्वीट डिश काफी पसंद आई, गिरा चुकी है, स्वीट डिश ही गिराई है। ये देखिए स्वीट डिश दाल राइस, अपनी को भी मस्त आया। हाँ अपनी को भी पसंद आया, बहुत अच्छा लगा ना। ये रसमलाई तो सबको पसंद आती है, फटाफट झट बन जाती है। और भैया जी की भी देख के जा रही हूँ, वो खाना ही नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ ये रसमलाई खा रहे हैं। तो चलिए देख के आते हैं उसको अपन। हाँ चलिए लो, ये भाई जी को दिया जा रहा है। हाँ फिर इनका खाना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए इनको इतना पसंद आया है कि ये खाने के बाद भी दोबारा फिर से खाने लगी हुई है। तो इस तरह से दोनों इस चीज़ को एंजॉय करते हुए, ये देखिए कितना मज़ा लेते हुए खा रहे हैं। यहाँ पर जो है भैया जी सोए अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी जी लेटे हुए हैं, और ये दोनों इसी तरह से खाते हुए तो फ्रेंड्स हम लोग डांस क्लास से आ चुके हैं, मतलब डांस क्लास आज लगी ही नहीं, आज सर नहीं आए। तो ये देखिए तुरंत ही लौट के आ चुके हैं, और बस यहाँ नीचे अपनी अनिका जो है वो नीचे साइकिलिंग करने लगी है, क्योंकि आज साइकिलिंग करने नहीं गई थी दोनों जन। तो यहाँ ये देखिए उधर खड़ी हुई है, वो उधर पर है, मैं दिखाती हूँ आपको। दो दो उन दोनों का साइकिलिंग स्टार्ट हो गया है, और मैंने भी आके बस चाय रखी है, सबको चाय करती हूँ, क्योंकि चाय बना के जाना भूल गई थी, क्योंकि लेट हो गए थे आज हम थोड़ा सा। तो ये देखिए ये आ गई हैं अपनी अनिका, दोनों साइकिलिंग कर रही हैं। ये है ये साइकिलिंग करते हुए, हाय हेलो। आज ये तो सुबह में नहीं करी है, दोपहर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। ये गैरेज में अंदर जाके पता नहीं क्या कर रही हैं दोनों की दोनों, बाइक में बैठ के। देखो गिरे ना बाइक, अवनी गिरे ना बाइक, बैठ रही है ना उसमें, ये यहाँ बैठी हुई है बाइक में पापा की, ये खेलते हुए दोनों। फ्रेंड्स आप घास में नहीं घुसना, आपको पता ही है यहाँ लगी हुई है शॉपिंग, वो एग्जीबिशन, मतलब सेल एग्जीबिशन जो आप कहना चाहें, वही टेम्पोलिन। तो अपने निका को टेम्पोलिन का शौक नहीं है, पर बैलून आप देखिए रोज इनका आता है, रेड, ये आज फिर आते आते फोड़ देती है, आज पर्पल ले लिया है। तो इन लोगों का यही मस्ती चल रही है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स ये जो एग्जीबिशन वो सेल लगी हुई है डेली, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम डेली आके ले रहे हैं। हमने तो फर्स्ट डे ही मार्केटिंग कर ली, अच्छी ले लिया, दो जोड़ी दिला दिए इन्होंने। और अब जो है जैसे जैसे पूछो डेली आके, तो हर चीज़ का जो दाम है ना बढ़ा हुआ बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, सब अपना अपना बेनिफिट देखते ही हैं। और बाकी यहाँ पर ही आज हम लोग बैठे हुए हैं थोड़ा ये शॉपिंग के पास ही, यहाँ चहल पहल भी है। ये देखिए मंदिर, मंदिर में भी पूजा होने वाली है फ्रेंड्स, ये संडे मंदिर में पूजा है, और कितना 2 साल हो जाएगा ये मंदिर बने, बिल्कुल वो जो कालीवाड़ी मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में जो है ना, दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर, वो मैंने बनाया भी है, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर जैसा। हाँ हाँ इसका फूटा नहीं इसने लिया है। तो ये मंडे को 2 जून को उसकी स्थापना हुई थी, वो बना हुआ था, तो वही सेलिब्रेशन होगा। तो मंडे को मंदिर का हम आपको दिखाएंगे व्लॉग वो बनेगा। और यहाँ देखिए शॉपिंग में काफ़ी चहल पहल है, लाइट के कारण समझ नहीं आ रहा, पर बहुत भीड़ है, सभी
शॉप्स में, और हम लोग यहाँ थोड़ा हवा अच्छी चल रही है, गर्मी बहुत है क्योंकि हवा थोड़ी चल रही है। और वैसे भी लंच डिनर जो है वो रेडी ही रहता है, शाम में उतना कुछ बनना नहीं रहता है, तो जाके फटाफट कर देंगे इस तरह से। तो थोड़ी देर हवा ले लें फिर चलते हैं। ये देखिए आज आई है अमेरिकन बाइट्स, आज ये इस तरह से डिब्बे में लाए हैं, तो मम्मी को निकाल के भी दे दी है, बाद में वीडियो बनाने के लिए लगे। और बच्चों की वही कॉर्नेटो बटर स्कॉच वाली मम्मी को देते हैं जब तक खाने के लिए। ये देखिए बच्चे भी खा रहे हैं साथ में तीनों। फिर तो हाँ धीरे आज आराम से करो, आराम पहले खा लो ना। सोनम खोल दो उनका, तो देखो अब नहीं कैसे खाने लगी। अब दादा उसका खोलते जाना पेपर, खोल दो दादा उसका, जैसे तुमने खोल लिया है खोल दो उन लोगों के पेपर। जाओ दादा खोल, तो अपनी मुंह में फंसा लो, ऐसे फंसाओ ना चुंगा है मुंह में, पूरी खोल दो बताओ सिर्फ, तो हटा लो। शॉपिंग से आज भैया जी के आए हैं मोमोज, तो भाई जी मोमोज खाते हुए आज सिर में दर्द है और आज जल भी गया है, दिखाना जरा हाथ कहाँ जले हो। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा वैसा दिख रहा है जले हैं। और ये यहाँ वहाँ दही फुल्की खा के आई हैं, पर अब दादी माँ के लिए जो फुल्की आई है वो भी खा रहे हैं, तो मम्मी को भी दे चुके हैं फुल्की, मम्मी भी फुल्की खाने लगे हैं। खा ली ना तुमने, इसको खाना है वह, तो ये इसको और बना के देते हैं, तो दादी माँ के हिस्से से इन्हें भी खाना है। ठीक है चलिए सर, सबका डिनर हो रहा है, आप मेरी प्लेट देख सकते हैं और हेल्थ का राज भी जान सकते हैं। इनने जो छोड़ा वो यहाँ दे दिया, उनने जो छोड़ा वो सब भी देखो जरा, सब प्लेट में रखा हुआ है, सबकी प्लेट का कहते ना माँ, एक वीडियो भी है एक पे से रील्स भी बनाई हुई है। ये इसीलिए ये हाल हो जाता है, जो छोड़ा उनने दिया, उनने छोड़ा उनने दिया, वो एक और देने के लिए मम्मी का डिनर हो चुका है, हम लोग बैठे हुए हैं बस खाने के बाद थोड़ा वॉक के लिए जाएंगे। मम्मी तो जाएंगी नहीं क्योंकि उनको हम शाम को करा लाए थे, और शाम को एक्चुअली क्या है रात में थोड़ा सा लंबा जाते हैं तो मम्मी उतना चल नहीं पाती है, इसलिए शाम को थोड़ा वो घूम के आ जाती है, वो देखेंगे अपना टीवी या फिर कमरे में लेटी नहीं, हम लोग थोड़ा वॉक पे जाएंगे अभी मिलते हैं फिर आपसे डिनर के बाद। चलिए सर तो फ्रेंड्स डिनर के बाद आ चुके हैं वॉक पे, आज हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, वैसे आप देखिए हवा बहुत है पर गर्मी फिर भी है, आप पसीना भी देख सकते हैं मेरा कितना मजा है। हवा तो अच्छी चल रही है खैर, और ये लोगों की मस्ती करते हुए ये लोग टहलती हैं, ये देखिए ये मस्ती चल रही है दौड़ना दोनों। भैया जी हम लोगों के साथ चलते हुए, पापा की बराबरी से पापा से लंबे हो गए हैं तो चलिए चलते हैं, वाह मेरे से भी लंबा हो गया है। चलिए फ्रेंड्स तो ये देखिए बिल्ली हमारे यहाँ बैठी रहती है, उसका घर है, उठ के भाग गई, आई रही भैया इधर ही उठ के गई, ये हमारे घर में बैठी रहती है, भाग गई है, डर लगा हमको भी, आँखें नीली हरी हरी चमक रही थी। सब मैं लेके आ चुकी हूँ आइसक्रीम, और ये देखिए मैं सबका डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ आइसक्रीम, तो कल वाली भी रखी हुई थी इसीलिए, जो परसों आए थे वो भी अभी रखी हुई थी, बच्चों ने थोड़ी खाई थी, थोड़ी और भी अभी रखी हुई थी, तो उसको भी साथ में मिक्स करके सर्व कर देते हैं और सभी लोग फिर उसको इन्जॉय करेंगे। तो ये देखिए मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो अब ये निकों को बड़ा मज़ा आता है कि ये क्या हो रहा है क्या है, इन सब जब सब साथ में बैठते हैं कुछ खाते पीते हैं ना, तो इन दोनों को बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए सबको देती हूँ, हम छह लोग हैं, छह कटोरियों में इस तरह से दिया जा रहा है और फिर हम लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो अपनी निका साथ में अपनी अपनी लेके अलग होती जा रही हैं कि ये हमारा और फिर दादी माँ को इनको सभी को हम देते हैं। चलिए आप भी आइए हमारे साथ और आइसक्रीम को एंजॉय करिए फ्रेंड्स। Thank you.
हम तो खा रहे हैं हम सभी आइसक्रीम। अभी रात का डेली कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं डिजर्ट चलते बोलते डिजर्ट हो रहा है कभी कुछ कभी लस्सी कभी ये कोल्ड कॉफी।